गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका न्यू चैप्टर 8 रेशियोस एंड प्रोपोर्शंस। व्हाट इज द रेशियोस? रेशियोस क्या होते हैं? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट इज फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। तो रेशियोस जो होते हैं बेटा, उनको सेम काइंड एक ही तरह के तथा उनकी जो यूनिट है, इनका जो मेजरमेंट है, वो आपका सेम होना चाहिए। किसमें बेटा? और उसके बाद उसमें को फ्रैक्शंस होने चाहिए एक दूसरे के, है ना। तो देखिए, ए रेशियो बी, अगर हम ए रेशियो बी, और जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, ये आपका किसका रेशियो का सिंबल है। ए रेशियो बी इज द फ्रैक्शंस, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद देखिए एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, और जो इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम रेशियोज को, है ना, द ए रेशियो रिमेन अनचेंज इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म आर मल्टीप्लाइड बाई द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी। अगर हम नॉन जीरो क्वांटिटीज है, यानी कि जो भी नंबर है, अगर हम जीरो को छोड़ के कोई किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके जो रेशियोज होते हैं वो अनचेंज रहते हैं। जैसे ए अपॉन बी है आपका, और इसमें कोई नंबर हमारा है अन जीरो क्वांटिटी एम है, अगर हमने एम का मल्टीप्लाई ए में किया और एम का ही मल्टीप्लाई हमने बी में किया, तो जो हमारा रेशियो होगा वो अनचेंज रहेगा। ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? एम ए रेशियो एम बी, है ना। इसी तरह से ये आपका डिवीजन का इन्होंने दे रखा। अब देखिए रेशियो इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हमें रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, तो देखिए द रेशियो ए रेशियो बी इज सेट टू बी द बी इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज वन। अगर हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगी? जब उन दोनों रेशियोस यानी ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। एचसीएफ आप लोगों को निकालना आता होगा, जैसे हमने आपको ये निकाल के ही बता दिया। मान लो ए है, और ए के फैक्टर क्या बनते हैं? ए इंटू वन, है ना। ए एक ही टेबल से हो जाएगा और ए बन जा, ए अगर हम एक ही कोई टेबल बनाना चाहें तो ए बन जाए, यानी कि इसके दो फैक्टर हो गए ए इंटू वन। और इसी तरह से बी के भी फैक्टर, बी बी की टेबल में, अगर बी की कोई टेबल होती तो बी बी की टेबल में आता और वो वन की टेबल में भी आता, बी बन जा बी, है ना, या वन बन जा बी, है ना, ऐसे करके बी बन जा बी। तो इस तरह से जो आपके जो कॉमन, देखिए कॉमन नंबर क्या हुआ इसमें? वन और वन हुआ। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो जो एचसीएफ हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू वन। तो जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा क्या हो गया? वन। तो इस तरह से, यानी कि अगर हमें किसी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो उसका तब सिंपलेस्ट फॉर्म मानते हैं जब उनका जो एचसीएफ हो उन दोनों नंबर्स का, है ना, वो क्या हो? वन हो। तो इसी तरह से अगर अब हम लोग एक्सरसाइज 8A सॉल्व करेंगे, और जो आपके पेज नंबर 124 पे है, तो देखिए पेज नंबर 124 के लिए हम लोग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो देखिए 24 रेशियो 40 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस रेशियोज़ को। तो देखिए हम इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। अगर हम इसको एचसीएफ लेके सॉल्व करना चाहें, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 24 और 40 का एचसीएफ कितना हुआ। देखिए 24 और 40 का एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 8। कैसे निकल के आता? ये देखिए, आपने डिवीजन मेथड से आपने क्लास 6 में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने सीखे थे। तो देखिए इसमें हमारा 24 को, तो देखिए हमने 40 को 24 से डिवाइड किया, तो देखिए 24 बन जाए 24, यहाँ पे कितना बचा? माइनस किया 16 बचा। और देखिए ये वाला जो नंबर था 24, फिर इसमें अंदर आ गया, फिर हमने 16 से इसको डिवाइड किया, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 बन जाए 16, फिर आ गया 8, और 16 नंबर हमारा या यही मेथड होता आगे बढ़ने का डिवीजन मेथड से। तो 8 2 16, तो ये देखिए 2 टाइम आपका 8 2 16 2 टाइम डिवाइड हो गया। तो ये जो नंबर है, ये वाला जो डिवीजन है, है ना, जो आपका ये डिवाइजर है, ये आपका ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसी नंबर से हमने 24 को और 40 को डिवाइड कर दिया, तो देखिए इसको हमने डिवाइड किया तो 3/5, यानी कि 3:5 आ जाता है। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 13.5 रेशियो 15 को भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखिए 13.5 को अगर हम इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, आप अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 135/10 और रेशियो 15/1। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो देखिए ये कितना हो गया? 135। इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ रेशियो लगा देंगे बस। और देखिए यहाँ देखिए 110 और 10 × 15 कितना हुआ? 150। तो जो इसका रेशियो बनेगा हमारा वो क्या हो जाएगा? इसको हम क्या और लिख सकते हैं? 135 रेशियो 150। अब अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 15। उसी मेथड से हमने इसका एचसीएफ निकाल के और इसको हमने
देखिए इसको हमने पहले फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन में हमारा क्या होगा 135/50, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, इसको हमने डिवाइड कर दिया 15 से, तो इसको हमने 15 से डिवाइड किया तो 15 9 जा कितने होते हैं 135, और 15 10 जा होते हैं 150, तो 9:10 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 6:2:7 7:1:2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रॉपर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 6 से आपका ये जो हो जाएगा इन प्रॉपर में आपका इसको कन्वर्ट करने के बाद, हाँ देखिए यहाँ पे 3 था ना, 6:2:3 था, यहाँ पे 7 गलती से लिख गया था, 6:2:3 7:1:2, इसको अगर हम इन प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 6 3 18 2 20/3, और ये 7 2 14 14/1 15/2। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम हमारा क्या हो गया 6, तो यहाँ पे 6 बनाना है हमें, तो 6 बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का नीचे किया तो 40/6 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी इसमें 15/2 है, यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर 6 लाना है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 × 3 और ऊपर भी और नीचे भी, तो देखिए 15 3 जा कितने होते हैं 45 और 2 3 जा कितने होते हैं 6, इस तरह से ये हमारा 45/6। अब हम इसके रेशियोस बनाएंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन, तो रेशियो हमारे हो जाएंगे 40:45, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 40/45। अब आप देखा आपने कि हम चाहें तो एचसीएफ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका दोनों का जो एचसीएफ होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो 8/9, और जो रेशियोस में लिखेंगे तो 8:9 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा 1/6:1/9, तो देखिए इसको हम सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाला रेशियो है, तो इसको हम, तो इसके लिए हमने क्या किया 18 हमारा हमने एलसीएम ले लिया, देखिए 6 और 9 का हमारा एलसीएम क्या होगा, 6 और 9 का एलसीएम हो गया 18। अब देखिए 6 3 जा 18, और रेशियो का साइन है इसलिए रेशियो लगा दिया, और 9 2 जा 18, तो जो हमारा रेशियो बन के आया, न्यू रेशियो बन के आया वो 3:2 हो गया, तो यही हमें फाइंड करना था, है ना। अब इसी तरह से इसको देखिए 4:5:9/2, तो इसको हमने क्या किया 4/1:5/1:9/2, और इसका जो एलसीएम हुआ 1 1 2 का वो 2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इसमें 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, 5 में 2 का होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का ऑलरेडी है तो 1 का होगा तो 9 ही रहेगा, तो 8:10:9, तो ये हमारा इसका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। और इसी तरह से आपका सिक्स पार्ट देखिए, इसका जो सिक्स पार्ट होगा हमारा 2.5:6.5, और ये आपका हो गया 8। देखिए इसको हम क्या 2.5 को क्या लिख सकते हैं 25/10, क्योंकि पॉइंट हटेगा, और इसी तरह 6.5 को 65/10 लिख सकते हैं, और इसी तरह से इसको 8/1 लिख सकते हैं। अगर हम इन सबका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए 10 एलसीएम हो गया, ये 25 ही रहेगा, ये 65 ही रहेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। अब जो हमारे नंबर आए रेशियो में 25, 65 और 80, अब इसमें से हमें, क्योंकि हमें इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका अगर हम देखें कि ये ऐसे, ये जो नंबर हैं हमारे किस टेबल से डिवाइड होंगे, तो ये देखिए ये हमारा जो नंबर है हम देखेंगे कि ये हमारा 5 की टेबल से, या हम कह सकते हैं इसका इन तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या हुआ, तो देखिए एचसीएफ अगर हम इनका फाइंड करना चाहें तो एचसीएफ 5 हो जाएगा, उससे भी हमें पता चल जाएगा, वैसे आपको दिख ही रहा है कि ये सब 5 की टेबल से हो जाएंगे, तो देखिए 5 5 जा 25, और 13 5 जा 65, और देखिए और 16 5 जा 80, तो 5:13:16, ये इसका हो गया आंसर है इसका फर्स्ट का सिक्स पार्ट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8A का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अब हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या है हमारे 75 पैसे और 3 रुपीज़, सबसे पहले हमें इनको सेम काइंड, या हम कह सकते हैं सेम है ना यूनिट, तो सेम काइंड यानी कि ये पैसे में और ये रुपीज़ में, तो हम इनको क्या किया, हमने इनको पैसे में ही कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है कि 1 रुपीज़ में आपके 100 पैसे होते, तो 3 रुपीज़ में कितने हो गए 300 पैसे, तो ये 75 पैसे ऑलरेडी गिविन था, और इसको हमने रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया तो 300 पैसे हो गए। अब इनको हमने फ्रैक्शन में लिखा, तो फ्रैक्शन में लिखाएंगे 75/300। अब
हमने यहाँ एलसीएम नहीं लिया, हमने इसको डायरेक्ट कैंसिल करने के लिए देखा। तो देखिए आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, 5 वन जा 5, 2 बचा 5, 5 जा 25, और इधर देखिए 5 6 जा 30 और ये 0 आएगा, तो 15 अपॉन 60 आ गया। अब हम देखिए 15 अपॉन 60 भी देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए आपका, या फिर हम 5 की टेबल से ना कैंसिल करके आपको 15 की टेबल भी आती है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 15 क्या होता है, 15 बन जा 15 और 15 4 जा 60, तो 1/4, और इसको हमने अगर रेशियो में कन्वर्ट किया तो ये हो गया हमारा 1:4। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर तो कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट है ना, या सेम काइंड। तो देखिए सेम यूनिट यानी कि ये देखिए 63 सेंटीमीटर है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। तो देखिए 100 + 5 कितना होगा, 105 सेंटीमीटर और रेशियो 63 सेंटीमीटर। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो देखिए 105/63। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर देखेंगे जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखिए 3 की टेबल में ही 3 से ही डिवाइड हुए, देखिए 3 3 जा 9, यहाँ कितना बचा 1, 3 5 जा 15, और देखिए 3 2 जा 6 ये आ गया, और 3 1 जा 3, तो ये 35/21 आ गया। अब 35/21 ये किस टेबल में आते हैं, देखिए ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो हम इनको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, तो 5/3 यानी कि ये जो अब हमारा जो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना, तो 5:3 हो गया। इसी तरह से अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड का थर्ड पार्ट। तो देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट ये है आपका, सेकंड का थर्ड पार्ट है आपका 1 आवर 5 मिनट और रेशियो 45 मिनट। तो देखिए 1 आवर यानी कि 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, और आपको किस में इसको मिनट में कन्वर्ट करना, 1 आवर और 5 मिनट को, तो इसमें 5 मिनट और 60 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 65 मिनट्स रेशियो 45 मिनट। अब इस रेशियो को हमने किया क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो फ्रैक्शन में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो 65/ आपका हो गया 45। अब हम वो नंबर देखेंगे जो इन दोनों नंबर्स को कैंसिल करते हैं। यहाँ हमने एचसीएफ नहीं लिया, हम इजीली सॉल्व, तो कि 5 की टेबल से ये दोनों हो रहे हैं, अब आप लोग समझ सकते हो। तो देखिए 5 1 जा 5, यहाँ 1 बचा, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 13 आ गया, और देखिए 5 9 जा 45 होती तो 13/9 आ गया। अब ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि अगर हम इनका एचसीएफ लेना चाहें तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 13/9 का एचसीएफ होगा 1 है ना, क्योंकि ये 13 की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आता है। इसी तरह से अगर हम इसमें 9 की बात करें तो 9 हमारा 1 3 और 9 की टेबल में आता है, लेकिन जो कॉमन दोनों के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1। इस तरह से हमारा जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाए, मीन्स ये हमारा फुली सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 8 मंथ रेशियो 1 ईयर। तो अब हम इसको सेम काइंड में पहले की तरह ही कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 8 मंथ रेशियो 12 मंथ। अब इसको फ्रैक्शन में हमने लिया तो 8/12, और देखिए अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 की टेबल से हम कर सकते हैं, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर ये अगेन कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से, तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यानी 2/3 आ गया। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व होता है। अब आप लोग क्या करेंगे कि जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं, जैसे 3rd 4th 5th 6th 7th, ये आप लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं भी आते हैं तो आप हमको ग्रुप पे लिख के बता सकते हैं, तो हम इनको बताएंगे। और उससे पहले आप जितना भी आपका जो भी इस क्लास वर्क है सबको आप फेयर कॉपी पे लिख लेंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके।